तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे हमारे सामने एक स्पीसीज है और हर स्पीसीज के नीचे कुछ ना कुछ एटम पे अंडर लाइन है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है। इसके पहले वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, जो आप जानते हो कि फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी स्पीसीज में, किसी भी एटम के ऊपर उसका जो फॉर्मल चार्ज होता है उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपको फॉर्मल चार्जेस पता होने चाहिए। देखिए, जितने भी मेटल्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयर चेंज होते हैं, नहीं तो चेंज नहीं होते हैं वो, तो वो सारे आपको कुछ लर्न करने पड़ेंगे, बाकी के निकालने आप समझ लोगे। देखिए, जैसे क्या है, पहला सवाल है आपका H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन संख्या बतानी है आपको, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि H के ऊपर साइन जो होता है वो +1 का होता है, S के ऊपर साइन जो होता है वो आपको S का निकालना ही है, तो इसका x मान लेंगे। O के ऊपर जो साइन होता है वो -2 का होता है, तो H के ऊपर +1, S का निकालना, x मान लेंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन पे -2 का होता है। अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो एटम है और एक H पे +1 होता है, तो +1 और मल्टीप्लाई 2 पे करेंगे, प्लस S का निकालना है तो उसका x मान लेंगे। ऑक्सीजन के एक एटम पे -2 का होता है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो -2 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, -2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक O पे -2 होता है, तो O 4 है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करने पड़े, और टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इक्वल टू 0। पूरे ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, अवस्थाओं का योग क्या होता है, 0 होता है, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +2 प्लस एक्स, और ये +4 -2 का हो जाएगा -8 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू जो आएगी -8 से इधर आके हो गया है +8, और ये -2 से इधर आके हो गया है, +2 से इधर हो गया -2, x इक्वल हो गया यहाँ पे +6, यानी कि H2SO4 में S की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +6 होगी। लेकिन इसका आंसर सही है या गलत वो देखने के लिए हमारे पास H2 का कितना है, +2 है, x का हमने ले लिया है +6 ले लिया है, O का -8 है, टोटल 0 आना चाहिए। ये +2 +6 हो गया +8, और ये -8 इक्वल क्या हो गया, 0, और ये कट जाएगा +8, तो ये 0 आएगा। तो H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आपको H का पता होना चाहिए, जो एक H का प्लस होता है, और जिसकी निकाली उसकी X वैल्यू ले लो। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, एक का 4 बार है ये, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, तो इस तरह से हमने H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लिया है। अब दूसरा कंपाउंड हमारे सामने जो है वो NaBH4 है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, NaBH4 में B का निकालना है मेरे को। तो आप जानते हो कि H के ऊपर जो साइन आता है वो प्लस भी होता है और माइनस का भी साइन होता है, ठीक है ना। अगर हाइड्राइड्स का फॉर्म होगा तो वो माइनस का लाएगा, और अगर हाइड्राइड्स का फॉर्म हाइड्रोजन आयंस का होगा तो वो प्लस का फॉर्म लेकर के आएगा। अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हो इसका, तो Na का क्या होता है, +1 होता है, बी का निकालना है तो एक मान लेंगे, एच का जो लेना है मेरे को वो +1 होता ही है, तो Na का एक प्लस है, यहाँ पे +1 कर दिया हमने, प्लस बी का निकालना है एक्स कर दिया, प्लस एच 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर आप इसका निकालते हो तो ये अभी जो सिंपल चल रहा है ये देखिएगा +0 आना चाहिए, तो ये +1 हो गया, प्लस एक्स हो गया, और ये हो गया +4 इक्वल 0, एक्स इक्वल क्या हो गया +5। क्या 0 आ रहा है? अगर 0 आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है। अब देखिए कैसे प्रूफ करोगे, +1 तो Na का है, प्लस एक्स का वैल्यू आप लेके आए हो +5, और प्लस इसका क्या लेके आए हो, हाइड्रोजन का क्या है, +4 है, तो टोटल ये कितना आ गया, 0 कहाँ आ रहा है, ये 5, 4, 9 और 8, 10 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहाँ है वो देखिएगा, यहाँ पर H की हाइड्राइड्स के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग लिखेंगे वो -1 लेकर के चलेंगे। अब अगर यहाँ पे इस प्लस की जगह पे आप माइनस रखोगे तो इस प्लस जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हो जाएगा -5 हो जाएगा, नहीं -5 नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका लेना है +1 प्लस एक्स प्लस 4 टाइम्स है हाइड्रोजन का 4, और ये -1 इक्वल 0, तो +1 प्लस एक्स -4 इक्वल 0, ये क्या हो गया, एक्स इक्वल हो गया +4, और ये हो गया जाके उधर -1, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे +3। अब यहाँ पे चेक करिए सही है गलत, तो यानी का आपने लिया है +1, एक्स का आपने लाया +3,
और इसका लाए थे कितना, माइनस फोर इक्वल जीरो, ये क्या हो गया प्लस फोर और ये माइनस फोर इक्वल क्या हो गया जीरो कट जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस वन मत रखिएगा, आप लोग को ये बताने का था पहले मेथड से नहीं आ रहा था आंसर तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में नहीं, यहाँ हाइड्राइड्स आयन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर एस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस वन होगी, और माइनस वन रख करके निकालेंगे आप लोग तो ही आपको पता चलेगा ये। और हाइड्राइड्स के फॉर्म में हाइड्रोजन तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हाइड्रोजन आयन से बोलता है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है यानी माइनस के फॉर्म में आता है, एच माइनस के फॉर्म में आता है, तो उसको हम हाइड्राइड्स आयन बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके आ रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे K2SO4, पोटेशियम है सल्फेट, K2SO4 में S का निकालना है, तो K2SO4 में S का निकालने के लिए आपको K का पता होना चाहिए, S का निकालना तो X ले लोगे, ऑक्सीजन का पता है -2, यहाँ पर देखोगे अगर तो K का होता है +1, S का निकालना है X लोगे, O का होता है -2, सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पर +1 है एक पोटेशियम के ऊपर, दो पोटेशियम है यहाँ पे, दो से मल्टीप्लाई, प्लस S का निकालना है तो X ले लेंगे, ऑक्सीजन का एक का होता है -2, फोर टाइम्स है तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लाएंगे हम 0, यहाँ पे आएगा ये +2 प्लस एक्स और ये प्लस माइनस का -8 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 और ये माइनस हो जाके प्लस हुआ और ये प्लस होके जाके माइनस हुआ, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो +6 में आएगी, +6 में आएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहे शार्ट आउट करोगे अगर इसका वेरीफाइड करोगे तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +6 और यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस का -8 0, ये +2 और +6 आएगा +8 में और ये -8 में आएगा, तो टोटल क्या होगा प्लस माइनस करके यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, यानी कि आंसर हमारा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 आएगा वो सल्फर का +6 आएगा वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड्स है यहाँ पे, तो H3PO4 में पी का निकालना है, H का यहाँ पे होगा +1 ही लिया जाएगा, माइनस नहीं लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके नहीं लॉस करके आएगा अपना, और P का निकालना है तो उसका X ले लेंगे, O का होता है -2, यहाँ पर H कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, एक H का होता है +1 3 से मल्टीप्लाई, प्लस एक्स प्लस इसका हो जाएगा -2 और 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई गिव्स 0, तो +3 प्लस एक्स -8 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू जो लेके आएंगे हम -8 से हो जाएगा +8 और ये -+3 से हो जाएगा -3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +5, सही है या गलत देखने के लिए, ये वैल्यू तो आपने लाया है +3, ये लाया है आपने +5 और ये लाया आपने -8 0, तो ये 3 और 5 क्या हो गया +8 और ये -8 ये कट किया जाएगा 0, यानी कि इसमें भी इस H3PO4 में पी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +5 आ रहा है, ये चेंज भी होता है, H3PO2 कर लोगे H2PO2 कर लोगे तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। ये अगला देखेंगे KAlSO4 का होल प्रेस (12H2O), ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा टफ भी है और ये वीडियो बनाने के पीछे इसी का रीजन भी है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, KAlSO4 का होल थ्रेस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ कंडक्टेड है। अब यहाँ पे निकालना किसका है, आपको यस का निकालना है, यहाँ पर देखिएगा के का कितना होता है +1, AL के ऊपर फॉर्मल चार्ज जो आता है वो +3 का आता है, क्योंकि AL की जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है और 2, 8 और 3 ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज जो आएंगे वो +3 के आएंगे, ठीक है। एस का आपको निकालना है, इसका वैल्यू कर लेंगे एक्स, और हाइड्रोजन्स का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। अब आपके पास सारे जितने भी इसमें एटम्स एलिमेंट्स हैं उन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गए हैं, तो जिसका निकालना है उसकी वैल्यू को एक्स आप पुट करेंगे और बाकी वैल्यू उसमें रखेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सल्फर का भी पता चल जाए। तो के का यहाँ पर एक ही है तो एक का इसका होता है +1, प्लस AL का होता है +3, एक ही AL है ये हो जाएगा +3 प्लस एस का निकालना है आपको, तो यहाँ पर यस ब्रैकेट के अंदर है, थ्री टाइम्स इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यस की वैल्यू एक नहीं होगी, थ्री का मल्टीप्लाई होगा 3S हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एस का वैल्यू एक्स है तो 3S की वैल्यू क्या होगी 3X होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 3X रखेंगे, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर देखिएगा 3×4=12 टाइम्स है, एक ऑक्सीजन का होता है -2,
तो यहाँ पे चार तीन है 12, यानी ऑप्शन कितना हो गया 12 टाइम 12 है, प्लस यहाँ पर देखिएगा 12 2 24, यानी हाइड्रोजन है 24 है, एक हाइड्रोजन का होता है प्लस वन, यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन में, और ऑक्सीजन के ऊपर देखेंगे जरा माइनस टू का साइन आता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 12 टाइम्स है, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आना चाहिए 0। अब ये पूरा का पूरा हमें करना है साल, ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस थ्री, ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस का, ये माइनस हो जाएगा माइनस 24, और ये हो जाएगा प्लस 24, ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 24 इक्वल 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 12 था तो यहाँ पर इसका हो गया है, ये देखिएगा इसकी वैल्यू हमने यहाँ तो 24 प्लस वन कर दिया, इसकी वैल्यू 12 है, ये 24 माइनस में हो गया। अब यहाँ पे आया क्या, प्लस वन प्लस ये प्लस फोर हो गया, प्लस थ्री एक्स हो गया, ये माइनस 24 प्लस 24 माइनस 24 जीरो। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर 3x की वैल्यू अगर हमको लानी होगी तो ये प्लस फोर से यहाँ हो गया माइनस फोर, ये माइनस 24 से हो गया प्लस फोर, और ये प्लस से हो गया माइनस 24, ये माइनस से प्लस 24। ठीक है, अब इसको टोटल का टोटल कैलकुलेट करोगे तो 24 है और ये 4 28 आएगा, यानी कि 3x। अच्छा, ये आपकी प्लस की वैल्यू ये और ये हो गया 48 माइनस, ये कितना किया है आपने 28, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 20, 3x की वैल्यू 20, x की वैल्यू जो लाओगे आप 20/3 करके कैलकुलेट कर लोगे, तो ये हो जाएगा इसका। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला अगर आप देखते हो MnSO4 मैग्नीशियम सल्फेट MnSO4 में Mn की वैल्यू निकालोगे तो Mn की वैल्यू निकालने वाला हम x लेंगे, s की वैल्यू का अगर चेक करना है आपको तो MnSO4 में s की वैल्यू निकालनी है, MnSO4 में s की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें Mn के ऊपर साइन अगर देखोगे तो इसका होता है प्लस टू, s का निकालना है x और O का होता है माइनस टू, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वन टाइम Mn है और वन टाइम का होता है प्लस टू, प्लस s का लेंगे x और O का लेंगे हम लोग माइनस टू, और ये फोर इक्वल जीरो, तो प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल जीरो, एक्स इक्वल प्लस एट माइनस टू, एक्स इक्वल होगा प्लस सिक्स। यहाँ पर भी एस की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस सिक्स आ रही है, जो HTSO4 में आई थी एस की वही MnSO4 में भी आ रही है एस की वैल्यू। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है ना, तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर लाइक करिएगा, और अगली वीडियो फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आगे चैप्टर।